दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अपनी रसोई में। और दोस्तों, आज हम तोरी की सब्जी बिना पानी के बनाएंगे, जो बिल्कुल डिफरेंट है, टेस्टी है, आसान है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। आज हम बताएंगे कि बिल्कुल बिना पानी डाले हुए तोरी की सब्जी किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 500 ग्राम तोरी ली थी, इसको मैंने छीन लिया है और इस तरह से मैंने टुकड़ों में कट किया है। जैसे भी आपको अच्छे लगे वैसे आप इसको काट सकते हैं। तो तोरी की सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच रिफाइंड डाला है। आज मैं इसको रिफाइंड में बना रही हूँ। और जैसे ही तेल गर्म होता है इसमें डाल देंगे हम जीरा। और जीरा जैसे ही भुनता है अब हम इसमें 1 कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब बीच में ही हम हरी मिर्ची डालेंगे। ये मैंने 2 हरी मिर्ची कट की थी तो इसको मैंने डाल दिया है। और इसको भी हम अभी भून लेते हैं क्योंकि प्याज अभी हमारी पूरी तरह गोल्डन ब्राउन नहीं हुई है, यानी सुनहरी नहीं हुई है। तो मसाले आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितने आपको पसंद है। तो बस 1-2 मिनट इसको और भूनना है। अब हमारी प्याज भुन गई है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सूखे मसाले में सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। उसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, और थोड़ी सी डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज करती हूँ, इसलिए अपने हिसाब से मसाले आप इसमें डाल सकते हैं। अब हमने जो तोरी ली थी बस इनको 1 मिनट भूनना है तेल में, और जैसे ये भुन जाते हैं वैसे इसमें तोरी ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मसाले में मिक्स करते हुए 1-2 मिनट के लिए इनको भून लेते हैं। मैंने इसको 2 मिनट अच्छे से भुनने दिया है और पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। और अब हम इसको ढक देंगे और सिम गैस पर जब तक हमारी तोरी गल नहीं जाती है तब तक इसको पकने देंगे। देखिए, तोरी की सब्जी हमारी बनके तैयार है। और आप इसको तोरी की भुर्जी भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हमने पानी नहीं डाला है और बिल्कुल सूखी सूखी है। आप चाहे तो ये जो हल्का फुल्का जो नमी है उसको आप जला सकते हैं। तो मुझे इसको ऐसे ही रहना है और अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब हम ऊपर से इसमें 1/2 कटा हुआ नींबू निचोड़ देंगे। आप इस सब्जी को आप चपाती, पराठा, लंच में, डिनर में, किसी टाइम भी आप खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और टेस्टी सब्जी बनी है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करना। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।